जय जगन्नाथ। आपण मानक स्वागत करुच्छी डिफेन्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को मुँह रचिता। आज आम देखा मॉडर्न हिस्ट्री किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो अच्छे आमर वीकली मैगजीन से द्वारा पब्लीश होता। आंसर हम कौन? ऑप्शन ए, आनी बेसंत। आनी बेसंत के ये हूँ जड़े ब्रिटिश सोशलिस्ट। एंड वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 1917 आईएनसी सेशन। ता सहित ये कौन? वुमेन वुमेन राइट एक्टिविस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिबा, हु प्रिजाइडेड ओवर द फेमस त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस आमर जो आईएनसी सेशन गुड़ाक प्रति वर्ष होता आनुअली डिसेंबर रे, तो ये जो त्रिपुरी सेशन टा किए आमर प्रिजाइड कर। आंसर हम कौन? यहाँ सुभाष चंद्र बोस। आंक द्वारा दुईटा सेशन से अटेंड करते प्रिजाइड ओवर होता आंक द्वारा। फर्स्ट थी कौन? हरिपुरा एंड त्रिपुरी। हरिपुरा टा आमर कोटी अच्छे गुजरात रे 1938 रे से करते। त्रिपुरी टा अच्छे आमर मध्य प्रदेश 1939। जेल नेहरू को द्वारा आईएनसी सेशन कोटा कोट हेल्ड 1936 लखनऊ, 1937 फेसपुर जोटा कि महाराष्ट्र अच्छी। आईटा हूँ आमर कौन? फर्स्ट आईएनसी भिले सेशन। राजेंद्र प्रसाद को द्वारा 1934 सेशन प्रिजर्ड होता जोटा कि बॉम्बे रही। अबुल कलाम आजाद ये हूँ यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट जोड़ा कि 1923 दिल्ली रे स्पेशल सेशन होता। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम? सुभाष चंद्र बोस। दीटा सेशन द्वारा प्रिजाइड होता गोटे हरिपुर गोटे त्रिपुरी सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी रो फर्स्ट वुमेन किए? सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन जब पचार आंसर हम सरोजिनी नायडू, किंतु ऑल ओवर जब पचार खाली फर्स्ट वुमेन आंसर हम कौन? आनी बेसंत। सरोजिनी नायडू सेशन होता 1925 कानपुर सेशन। सुचेता कृपलिनी ये हूँ फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया यूपी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अरुण आसफ अली एसोसिएटेड विथ क्विट इंडिया मूवमेंट जोटा 1942 रे हेची। आंको कौन कुहा होची? हीरोइन हीरोइन ऑफ 1942 इंडिया मूवमेंट एंड ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आईएनसी रो जदि फर्स्ट इंडियन वुमेन पचारिबो तहले आंसर हबो सरोजिनी नायडू। जदि केवल पचारिबो फर्स्ट वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट तहले आंसर हबो कोन? आनी बेसंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य, लोकमान्य कहा को कहा होतला, बीजी तिलक, आंसर हबो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एटी जो देछ ऑप्शन रे जयप्रकाश नारायण, आंको कोन कहा होतला, लोकनायक और जेपी। सीए फैंड्रू को कोन कहा होतला, दीन बंधु। सेमिति हमर देश बंधु भी अछि, देश बंधु होछन्ति चित्तरंजन दास, सी आर दास। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। तो लोक माने कहा को होछि, बिजी तिलक को कहा होतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु एमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए चारिटा ऑप्शन रु को पर्सनालिटी टोटली इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रेसिडेंट हेन हांती, आंसर होबो कोन, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव सेशन प्रेजेंट करथिले। जीके गोखले, जीके गोखले 1905 बनारस सेशन प्रेजेंट कर चुनते। सुभाष चंद्र बोस 1938 एंड 1939 हरिपुरा एंड टीपुरी सेशन दीटा जगह ये प्रेजेंट कर थिले। तो आंसर हम कौन एटार, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। और ये जो जीके गोखले अच्छी, जीके गोखले होंगे कि पॉलिटिकल गुरु होंगे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु पब्लिश न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। केसरी मराठा दीटा जाक हमर न्यूज़पेपर जो अच्छी न्यूज़पेपर सेड सेडिशन आर्टिकल पाई बोली कि बाल गंगाधर तिलक को हमर कोन इतला ना जेल रे रखा इतला। तो बीजी तिलक रे जो केसरी मराठा न्यूज़पेपर केसरीटा को लैंग्वेज रे पब्लिश हेतला हमर मराठी लैंग्वेज रे। मराठा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज रे पब्लिश होता। ये आवरी दीटा भल भल काम करते, शिवाजी फेस्टिवल प्लस आम गणपति फेस्टिवल। सेलिब्रेशन स्टार्ट करते इंडिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु रोड द बुक गीता रहस्य। गीता रहस्य के लिखी छन हमर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कांग्रेस इज करेक्ट। तीनटा स्टेटमेंट दीजिए, ये भीतर को स्टेटमेंट गुड़ा का करेक्ट हमें देखिबा। फर्स्ट स्टेटमेंट दे छी कोन, द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल कॉलेज इन बॉम्बे। एटा ठीक अछि, हमर फर्स्ट 1885 रे आईएनसी एस्टेब्लिश हेतला। सेते बेले वायसराय के थिले लॉर्ड डफरी। आईएनसी का द्वारा एस्टेब्लिश करा हेतला बा सेटअप हेतला एओ, ये गोटे थे कौन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। तो आम फर्स्ट आईएनसी सेशन कौट है ना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे बॉम्बे रे हबार थिला पुणे रे। सेकेंड दे कौन, द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नारोजी। एटा हम ऑप्शन भूल कम पाइना, फर्स्ट होता के उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा होता उमेश चंद्र। थर्ड ऑप्शन दे कौन, द फर्स्ट सेशन वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। ठीक अच्छे, 72 जन डेलीगेट्स फर्स्ट आईएनसी सेशन अटेंड करते। तो यार देखा कौन ऑप्शन सी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who founded the All India Anti-Untouchability League? Our answer कौन होगा? गांधी जी, महात्मा गांधी को द्वारा ही इतना ये लीग टा हमरो केबे स्टार्टेड ही इतना सितंबर 1932 रे ये जो All India Anti-Untouchability League यार फर्स्ट प्रेसिडेंट हो चुके जी डी बिरला एडा परवर्ती टाइम राकु को हिसाब रे जानिले हरिजन सेवक संघ लेटर कॉल्ड इज आर हेडक्वार्टर कोटी थिला दिल्ली आंसर ऑफ ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रपोजल ऑफ ए सेपरेट पाकिस्तान जीनस टू नेशन थ्योरी वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन इट्स लाहौर सेशन हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1940 आमरो फॉर्मेशन हेची पाकिस्तान व्हाट एरिया हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन तो आमर एटा कोटी लाहौर सेशन 1940 रे एटा हेची नेक्स्ट देखिबा 11 The Gadar Party was founded November 1913 at San Francisco, USA by Our answer kaun hobo? Lala Hardayal Gadar Party formation kebe heithila na amar 1930 re heichi Our out bhi members thile Taraknath Das Sohan Singh Bakana कर्तर सिंह एटा कोटी हेचे ना हमरो सान फ्रांसिस्को यूएसए रे हेतिला तार फाउंडर के थिला ना लाला हरदेव एडी देच ऑप्शन रे देखो श्याम जी कृष्ण वर्मा ये कौन फाउंड करथिले इंडिया हाउस लंडन रे 1905 रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 12 ए सेपरेट इलेक्टेड फॉर द मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर को एक्ट अंडर हमर हेइथिला सेपरेट इलेक्टेड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाए और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाए ये टाइम रे वायसराय की थिले लॉर्ड मिंटो आंको कहा जाए फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टेड सेपरेट इलेक्टेड फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टेड एथि पई कहा जाए ना ये कौन करथिले ना रिजर्वेशन मुस्लिम मानों को पाए रिफॉर्म मान थिले तो ये क्वेश्चन आंसर होगा कौन ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच फॉर्मेशन और फाउंडेशन और फाउंडर एड ऑप्शन ए रे देजी कौन हमर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले एटा ठीक अछि सेकंड देला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रो फाउंडर होचने मदन मोहन मालवीय थर्ड देला स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी ऑप्शन जो डी दी नौजवान भारत सभा विजय तिलंग द्वारा ही नहीं है का द्वारा ना भगत सिंह तो ये हम आंसर कौन डज नॉट मैच करेक्टली दीजिए तेणु ये आंसर हम ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया
ड्यूरींग द ब्रिटिश रूल ये जो चारिटा जगह ऑप्शन आमर देछि वायसराय मानकर देछि तांकर जो टाइम बा टेन्योर बट तांकर जो पीरियड को देखि हमें कोन करबा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे ताको हमें सजेबा तो लॉर्ड कर्जन रो टाइम पीरियड होछि 1899 टू 1905 लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888 लॉर्ड चेम्सफोर्ड अंकर होची टाइम पीरियड 1916 टू 1921 लॉर्ड इरविन कर होची 1926 टू 1931 तो एमान को टाइम पीरियड रे कोन कोन प्रोमिनेंट वॉर गुडा को हिचे 1905 रे हमें देखी छ कोन पार्टीशन ऑफ बंगाल सिक्सटीन्थ अक्टोबर 1905 रे लॉर्ड डफरिन आईएनसी फॉर्मेशन हेची लॉर्ड चेम्सफोर्ड को टाइम रे हेची हमर कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोडा रे के हमर रिजर्वेशन दिहैतला यूरोपियन एंग्लो क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस सॉरी सिख मानु को दिहैची देन इरविन को टाइम रे कोन कोन हेची हमर डांडी मार्च सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ये जो पीरियड गुड़ाक देखा आमर गोटे जिनस देखा कौन ना कि फर्स्ट आसे लॉर्ड डफरिन सेकेंड आसे लॉर्ड कर्जन थर्ड आसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड फोर्थ आसे लॉर्ड इरविन तो ऑप्शन सी हबार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डायर की ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर एटी डायर की रो वर्ड रो से मीनिंग होची डाई मीन्स टू आरकी रो मीन्स होची रूल तो डबल गवर्नमेंट रूल हमर को टाइम रे हेतिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे आको कोन को होची मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तार आंसर हम ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया रो हेतिला फॉर्मेशन सेटा कहारो परमिशन बा रिकमेंडेशन रे हमर सेटअप कराई छी तर आर आंसर हबो कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन रो तीन जन मेंबर्स थिले स्टाफोर्ड क्रिप्स सेकेंड हेले पैथिक लॉरेंस थर्ड हेले एबी अलेक्जेंडर फिफ्टींथ मार्च 1946 रे कैबिनेट मिशन इंडिया को आसला कौथि पाई ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया पाए तो आंसर हबो कौन कैबिनेट मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडियास इंडिपेंडेंस जेतो भारत स्वाधीन पाइला 1947 रे सेते बेला हमर आईएनसी रो प्रेसिडेंट के थिला आंसर हबो कोन एटा जेबी कृपलानी आउ एटे ऑप्शन जो बी सॉरी डी अछि ये होचन हमर कोन यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेट इन ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमर तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेची फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 रे हेची सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर टू फर्स्ट डिसेंबर 1931 थर्ड टाइम 17th नवंबर 1932 रे तो ये तीन टा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमरो लंदन रे हेजी बी आर अंबेडकर ता सहित हमरो के ना तेज बहादुर साप्रू ए दी जणो कोन करछन तीन टा जगह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करछन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तेबे फाउंड हेतला 1906 रे फाउंड हेची, जेते बळे 1905 रे हमर को हला बंगाल डिविजन हला 16th अक्टूबर 1905 रे इंडिया हमर को हला दीटा पार्ट रे डिवाइड हेची, गोटे हला पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान प्लस आसाम प्लस हमर जोड़ा बंगाल रही थला इंडिया रे, परवर्ती टाइम रे वेस्ट बंगाल हिसाब रे कंसीडर कराई छी। तो 1905 पर जेतो हमर कहला इंडिया रो सेपरेट हे कि मुस्लिम माने गले कोटी वेस्ट पाकिस्तान को गले जोड़ा परवर्ती टाइम रे कोटा बांग्लादेश हिसाब रे फॉर्मेशन हे छी, सेते बेले कोन हे छी ना ताकू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन जो रिजर्वेशन जो थिला तांकर सेपरेट इलेक्टेड डिमांड टा मेन कॉज थिला। तो एटा को के फॉर्मेशन कर छन हमर आगा खान, ता सहित आउ दी जण मेंबर्स थिले सलीमुल्ला एंड मोहसिन उल मुल्क 1906 बांग्लादेश ढाका रे फॉर्मेशन हे छे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आगा खान हो छन फर्स्ट प्रेसिडेंट, और सलीम मुल्ला होती फाउंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा, और आंसर हबो कौन भगत सिंह, मार्च 1926 रे फॉर्मेशन हे छी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच इंसिडेंट कंपेल्ड महात्मा गांधी टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टा कोथि पई रही जायतिला जोडा कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट हेतिला, आरो आंसर हो छी कोन ऑप्शन बी चोरी चोरा इंसिडेंट। ये चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुई जी, फेब्रुअरी 5, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 22, साइमन कमीशन ए कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विजिटेड इंडिया इन द ईयर, आंसर हबो कोन 1928 हबो आंसर आरो साइमन कमीशन, एडा होचो गोटे स्टैट्यूटरी कमीशन एतरे 7 मेंबर्स थिले ऑल आर यूरोपियन, तो आपको कौन कहते हैं व्हाइट कमीशन भी कहुई। साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट करने पे जाए लाला लाजपत राय को डेथ भी है जी। तो हमर साइमन कमीशन केबे आसीले 1928 रे रिपोर्ट केबे से सबमिट कर छन दे 27 मई 1930। साइमन को पार्टी रो बिलोंग्स कर थिले लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, जालियानावाला बाग मस्कर टूक प्लेस इन, आंसर हबो कोन हमरो अप्रैल 13, 1919, जेते बेले रावल्ट एक्ट
अंडर रे आमर दी जनो पर्सनालिटी को अरेस्ट करा हितला डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल 10th अप्रैल 1990 आंकु जते अरेस्ट करा हितला एमनन को जेल रु काढीबा पय बोली के हमर पीसफुल मीटिंग कोड हितला ना एटी हिची पंजाब रो तो से टाइम रे हमर जे थिले रेजनल्ड ओडे से कौन करथले शूट करथले तो आंसर हबो अप्रैल 13, 1919 केबे हितला ना अप्रैल 13 रे हितला 14 गांधी वाज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे नथुराम गोडसे केबे मारथले गांधी जी को जनवरी 13 1948 रे मारिथिले आको मार्टियर डे हिसाब रे भी सेलिब्रेट करा जाय नेक्स्ट देखिबा Which among the following books is written by Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi को को book लिखी चंदी अमर option statement A दे ची कौन सा हिंद स्वरस ठीक हो ची दूसरी रे जो दे ची Voice of India डे के लिखी चंदी अमर दादा भाई नारोजी My experiment with truth जो third दे ची एडा भी के लिखी चंदी अमर गांधी जी लिखी चंदी तो फर्स्ट और थर्ड कोड दिस ऑप्शन सी तो आंसर हबो कोन 1 एंड 3 दादा भाई नारोजी को कोन कहा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आईएनसी रो 1893 सेशन उडे के लाहौर हे छि 1906 रो कलकत्ता सेशन से प्रेजेंट क्वेश्चन थे तो ऑप्शन सी हो आंसर क्वेश्चन 25 रो थैंक यू